शांत रहने में इतनी शक्ति है कि वह शक्ति अगर चुप रहकर इकट्ठा की जाए तो बुद्धि पहले से 100 गुना तेज हो सकती है और हमारे बोलने का तरीका एकदम बदल सकता है और आकर्षित हो सकता है, जिससे हमें इज्जत भी मिलेगी और हमारी बुद्धि भी 100 गुना पहले से तेज हो जाएगी। इसके पीछे का एक अद्भुत रहस्य हम कहानियों के माध्यम से जानेंगे, तो बिना देर किए चलिए उन कहानियों की शुरुआत करते हैं। पहली कहानी, जब मन अशांत हो तो कुछ समय मौन रहकर हालात समझें और फिर निर्णय लें। मन को मिल सकती है शांति, गौतम बुद्ध से। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना है। बुद्ध ने कहा कि पहले 1 साल तक मौन रखो, फिर प्रश्न पूछना। अशांत मन में प्रश्नों की अधिकता रहती है। प्रश्नों की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ मौन हो जाना चाहिए। मौन रहकर हालात समझेंगे तो मन को शांति मिल सकती है। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रेरक प्रसंग प्रचलित है, जानिए। ये प्रसंग प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ ही अन्य लोग भी पहुंचते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहुंचा और वह बोला कि तथागत, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दें ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 साल तक मौन धारण करना होगा। 1 साल के बाद तुम जो भी पूछोगे, तुम्हें उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि 1 साल बाद आप मेरे प्रश्नों के अवश्य देंगे ना। बुद्ध ने कहा कि मैं अपनी बात का पक्का हूं, तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा। लेकिन 1 साल बाद बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा, वह ध्यान में उतरने लगा, मन भी शांत होने लगा, उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। 1 साल बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और कहा कि 1 साल पहले मेरे मन में कई प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती हैं। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ समय मौन धारण करके हम हालातों को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगते हैं। मन शांत हो जाता है तो सभी प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं। सारी चीजें हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख शांति मिल जाती है। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे दूसरे कहानी की शुरुआत करते हैं। दूसरी कहानी, वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु संत या तपस्वी हुए, सबने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के गूढ़ ज्ञानों को प्राप्त किया। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते। हमेशा कुछ न कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख उतना भोजन खाते हैं, जितनी जरूरत उतना कार्य करते हैं। लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला और सबसे जरूर कि क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थीं और कितनी अनावश्यक सुनने सुनाने के माहौल से निकले। बाहर मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरा भी आपके साथ ठीक वही काम करता है। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार करेंगे। ये सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी
जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व, साधु और संत हुए, वे एकांत की ओर गए, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना न पड़े और अधिक सुनना न पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमण और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोले जितना जरूरी हो। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे तीसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। तीसरी कहानी, हमेशा मन शांत रखें और आत्मविश्वास कमजोर न होने दें, तभी सुख मिल सकता है। आश्रम में एक संत हमेशा दुखी रहता था और दूसरा संत हमेशा सुखी रहता था। दुखी व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं है। सकारात्मक सोच की वजह से हम बड़ी बड़ी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इस संबंध में एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार पुराने समय दो संत हमेशा साथ रहते थे। दोनों एक ही आश्रम में रहते थे। एक का नाम सुखी और दूसरे का नाम दुखी था। संत सुखी हर हाल में सुखी रहता था, जबकि दूसरा संत हमेशा दुखी रहता था। इस कारण उसका नाम दुखी रख दिया गया था। गांव के लोग अपनी परेशानियां लेकर इन संतों के आश्रम में आते थे। दोनों ही संत अपने अपने तरीके से परेशान लोगों को समाधान भी बताते थे। दुखी संत के समाधान भी बहुत अच्छे होते थे, जिनसे लोगों की चिंताएं दूर हो जाती थीं। दोनों ही संतों की जीवन शैली भी एक समान थी, लेकिन विचार एकदम अलग थे। दुखी संत अपने दुखों का कारण समझ नहीं पा रहा था। एक दिन वह अपने गुरु के पास गया और उनसे ये प्रश्न पूछा कि लोगों ने मेरे चेहरे के हाव भाव को देखकर मेरा नाम ही दुखी रख दिया है। मैं भी संत सुखी की तरह ही दैनिक पूजा पाठ करता हूं, हर काम ईमानदारी से करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख क्यों है। गुरु ने दुखी संत से कहा कि तुम दोनों एक जैसे काम करते हो, लेकिन दोनों के सुख दुख के भाव अलग अलग हैं। सुखी संत का मन हमेशा शांत रहता है, वह संतोषी है, उसे खुद पर भरोसा है कि वह बड़ी से बड़ी परेशानियों को आसानी दूर कर सकता है, इसीलिए हमेशा सुखी रहता है, जबकि तुम हर हाल में अशांत रहते हो, परिणाम को लेकर कभी भी संतुष्ट नहीं होते, तुम्हें खुद पर भरोसा ही नहीं है, इस कारण तुम दुखी रहते हो। कथा की सीख, मन की शांति और आत्मविश्वास ही व्यक्ति को बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकालता है। इसीलिए खुद पर भरोसा करें और मन शांत रखकर काम करें, तभी सुख और सफलता मिल सकती है। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे चौथी कहानी की शुरुआत करते हैं। चौथी कहानी, हरे भरे हिमालय के पहाड़ों के बीच, फुसफुसाते हुए देवदार के पेड़ों और लहराते प्रार्थना झंडों के बीच। प्रकाश नाम का एक भिक्षु रहता था। वह मौन साधना के प्रति अपने अटूट समर्पण के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। प्रकाश ने कई साल पहले मौन रहने की शपथ ली थी और केवल इशारों, अभिव्यक्तियों और कभी कभार लिखित नोट के माध्यम से संवाद करने का विकल्प चुना था। हर सुबह जैसे ही पहली रोशनी बर्फ से ढकी चोटियों को चूमती थी, प्रकाश अपने फर के साधारण बिस्तर से उठते थे और एक मौन प्रार्थना के साथ अपने दिन की शुरुआत करते थे। फिर वह प्राचीन बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। उनका मन भोर के समय पहाड़ी झील की तरह स्पष्ट और शांत होता था। प्रकाश के दिन शांत गतिविधियों से भरे हुए थे। मठ के वनस्पति उद्यान की देखभाल करना, हर्बल चाय बनाना और उन ग्रामीणों को आशीर्वाद देना जो उसकी बुद्धि की तलाश में आए थे। उनकी चुप्पी के बावजूद उनकी सौम्य उपस्थिति बहुत कुछ कहती थी और कई लोग उनकी संगति में सांत्वना तलाशते थे। एक दिन राजू नाम का एक युवक मठ में पहुंचा। उसका दिल दुख से भारी था। वह सांसारिक सुखों की तलाश में अपना रास्ता खो चुका था और अब अपनी गहरी चुप्पी के लिए जाने जाने वाले भिक्षु से मार्गदर्शन चाहता था। जैसे ही राजू प्रकाश के चरणों में बैठा, भिक्षु ने उसे ऐसी आंखों से देखा जो सतह से परे उसकी परेशान आत्मा की गहराई में देख रही थीं। बिना कुछ कहे प्रकाश ने राजू को कागज की एक खाली शीट और एक कलम दी। भ्रमित लेकिन उत्सुक, राजू ने झिझकते हुए कलम उठाया और लिखना शुरू कर दिया। उसके शब्द तेज नदी की तरह बह रहे थे। उसके डर, पछतावे और इच्छाओं को बाहर निकाल रहे थे। जैसे ही उसने लिखना समाप्त किया, उसने कागज प्रकाश के फैले हुए हाथ में रख दिया।
शांत मुस्कान के साथ प्रकाश ने कागज पर लिखे शब्दों को पढ़ा और फिर उसे तोड़ मरोड़ कर अग्निकुंड में फेंक दिया। जैसे ही आग की लपटों ने कागज को भस्म कर दिया, राजू को अपने ऊपर मुक्ति का एहसास हुआ, मानो उसका बोझ कागज के साथ जल रहा हो। उस दिन से राजू मठ का नियमित आगंतुक बन गया। प्रकाश के साथ मौन चिंतन में बैठा और उसकी उपस्थिति की शांति में शांति पा रहा था। उसने हवा की फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट और अपने दिल की धड़कन सुनने की कला सीखी। जैसे जैसे मौसम बदला और बर्फ पिघलकर पहाड़ों पर बहने वाली नदियों में बदल गई, राजू को मौन का सही अर्थ समझ में आया। ये केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि एक गहरी आंतरिक शांति की उपस्थिति थी, जिसने किसी को ब्रह्मांड को उसकी असंख्य आवाजों में बोलते हुए सुनने की अनुमति दी। चांदनी रात में जब वे टिमटिमाते तारों के नीचे बैठे थे, प्रकाश ने आखिरकार अपना मौन व्रत तोड़ दिया और पहाड़ी हवा की तरह धीमी आवाज में राजू से बात की। उन्होंने कहा, मौन शून्यता नहीं है, यह वह स्थान है जहां आत्मा अपनी सच्ची आवाज पा सकती है, जहां ज्ञान और शांति निवास करती है। इन शब्दों के साथ राजू को उस भिक्षु के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा की गहरी भावना महसूस हुई, जिसने उसे आत्मखोज की यात्रा में मार्गदर्शन किया था। वह जानता था कि मौन का पाठ हमेशा उसके साथ रहेगा, उन कालातीत पहाड़ों की तरह जो मठ को अपने शाश्वत आलिंगन में समेटे हुए हैं। और इस प्रकार मौन रहकर बोलने वाले साधु की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे दूसरों को उस ज्ञान की तलाश करने की प्रेरणा मिली जो केवल हृदय की शांति में ही पाया जा सकता है। इस कहानी का नैतिक यह है कि कभी कभी सबसे गहन सत्य शब्दों के बीच के शांत स्थानों में पाया जा सकता है, जहां आत्मा फुसफुसाहट में बोलती है, जिसे केवल चौकस श्रोता ही सुन सकता है। प्रकाश की तरह हम सभी मौन की शक्ति को अपनाना सीखें और ये हमें आंतरिक शांति और ज्ञानोदय के मार्ग पर मार्गदर्शन करे। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे पांचवी कहानी की शुरुआत करते हैं। पांचवी कहानी। एक समय की बात है, हरे भरे राज्य के मध्य में एक शानदार महल था, जहां एक बुद्धिमान और विनम्र भिक्षु रहता था। यह भिक्षु अपने गहन ज्ञान और भौतिक संसार के दायरे से परे देखने की क्षमता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। राज्य के राजा ने भिक्षु की बुद्धिमत्ता के बारे में सुनकर बहुत महत्वपूर्ण मामलों पर उसकी सलाह लेने का फैसला किया। राज्य चलाने के बोझ से बोझिल होकर राजा साधु के महल की ओर चल पड़ी। जैसे ही वह महल के शांत बगीचों में दाखिल हुआ, राजा उस जगह पर छाई शांति से दंग रह गया। पक्षी मधुर चहचहा रहे थे, रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और पेड़ों के बीच से हल्की हल्की हवा चल रही थी। राजा को भिक्षु की उपस्थिति में ले जाया गया, जो मौन ध्यान में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसका चेहरा शांत था। राजा झिझक रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे शुरुआत करें, लेकिन भिक्षु ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए। भिक्षु ने कहा, आपका स्वागत है। हा राजा जे, तुम्हारे दिल को क्या परेशानी है? राजा ने मार्गदर्शन और सांत्वना मांगते हुए अपनी चिंताओं और भय को भिक्षु के सामने प्रकट किया। भिक्षु ने धैर्यपूर्वक सुना, उसकी टकटकी अविचल थी। उसकी उपस्थिति ने राजा के अशांत विचारों को शांत कर दिया। राजा के बोलने के बाद भिक्षु बहुत देर तक चुप रहा। उसकी नजर क्षितिज के पार एक सुदूर बिंदु पर टिकी रही। आखिरकार वह बोला, उसकी आवाज नरम लेकिन अधिकार से भरी हुई थी। हां राजा, भिक्षु ने कहा, आपकी परेशानियों का उत्तर दुनिया के कोलाहल में नहीं, बल्कि आपके दिल की शांति में है। अपने भीतर की शांति की तलाश करें और आपको बुद्धिमानी और न्यायपूर्वक शासन करने की ताकत मिलेगी। राजा साधु के शब्दों से अचंभित रह गया, क्योंकि वे उसकी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए बहुत सरल लग रहे थे। लेकिन उन्होंने उन्हें दिल से लगा लिया और कुछ समय शांत चिंतन में बिताने का संकल्प लिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदल गए, राजा दरबार की हलचल से दूर चले गए और महल के बगीचों में आराम तलाशने लगे। वह एक ऊंचे पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। उसका मन शांत था और उसका दिल शांत था, और उस चुप्पी में उसे उन सवालों के जवाब मिल गए जो उसे इतने लंबे समय से परेशान कर रहे थे। जब राजा अपने एकांत से बाहर आया, तो वह बदला हुआ आदमी था। उनकी प्रजा ने उनकी आंखों में नई बुद्धि और करुणा देखी, और उनके सौम्य शासन के तहत राज्य समृद्ध हुआ। और साधु मुस्कुराया, यह जानकर कि राजा ने वास्तव में मौन की शक्ति को समझ लिया है। कहानी का सार यह है कि सच्चा ज्ञान दुनिया के शोर में नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों की शांत गहराइयों में निहित है। मौन की शांति में हम अपने गहरे सवालों के जवाब पाते हैं
और जीवन की चुनौतियों का साहस और शालीनता के साथ सामना करने की ताकत पाते हैं। हम सभी साधु और राजा की सीख को याद रखें और मौन से मिलने वाली शांति में सांत्वना तलाशें। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे छठी कहानी की शुरुआत करते हैं। छठी कहानी, मौन की शक्ति। प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक किसान था जिसे पता चला कि उसकी घड़ी खेत में खो गई है। पल यह कोई साधारण घड़ी नहीं थी, क्योंकि उसके लिए इसका भावनात्मक महत्व था। काफी देर तक घास ढूंढने के बाद उसने हार मान ली और खलिहान के बाहर खेल रहे बच्चों के एक समूह से मदद मांगी। उसने उनसे वादा किया कि जो व्यक्ति इसे ढूंढेगा उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर बच्चे जल्दी से खलिहान के अंदर चले गए, घास के चारों ओर घूमे, लेकिन फिर भी उन्हें घड़ी नहीं मिली। जब किसान अपनी घड़ी ढूंढना छोड़ने ही वाला था, तभी एक छोटा लड़का उसके पास आया और एक और मौका देने को कहा। किसान ने उसकी ओर देखा और सोचा, क्यों नहीं, आखिरकार ये बच्चा काफी ईमानदार दिखता है। इसलिए किसान ने छोटे लड़के को वापस खलिहान में भेज दिया। थोड़ी देर बाद छोटा लड़का हाथ में घड़ी लेकर बाहर आया। किसान खुश और आश्चर्यचकित था, और इसलिए उसने लड़के से पूछा कि जहां बाकी लोग असफल हो गए थे, वहां वह कैसे सफल हो गया। लड़के ने उत्तर दिया, मैंने जमीन पर बैठकर सुनने के अलावा कुछ नहीं किया। सन्नाटे में मैंने घड़ी की टिक टिक सुनी और बस उस दिशा में देखने लगा। संदेश एक शांत दिमाग एक सक्रिय दिमाग की तुलना में बेहतर सोच सकता है। हर दिन अपने मन को कुछ मिनटों का मौन रहने दें और देखें कि यह आपको अपने जीवन को ईश्वर की अपेक्षा के अनुसार स्थापित करने में कितनी तेजी से मदद करता है। शिक्षा। आत्मा हमेशा जानती है कि खुद को ठीक करने के लिए क्या करना है। चुनौती मन को शांत करने की है। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे सातवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। सातवीं कहानी, मौन की शक्ति इतनी बड़ी है जिसके आगे हर कोई झुक जाता है। सास बहू की तकरार के किस्से तो पूरी दुनिया में मशहूर है। कुछ किस्से आपको गुदगुदाते हैं, वहीं कुछ किस्से आपको बहुत जरूरी सीख भी देते हैं। आइए एक ऐसा किस्सा ही हम जानते हैं। एक गांव में सास बहू रहती थी। दोनों में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती रहती थी। सास अपना रसूख जमाने के लिए बहू को हमेशा खरी खोटी सुनाया करती थी। बहू भी कुछ कम नहीं थी, वह भी सास पर अक्सर पलटवार किया करती थी और सास को ताने मारते हुए पानी पीकर कोसती रहती थी। एक दिन गांव में संत आए। बहू ने संत की काफी देखभाल की। संत बहू की सेवा से काफी प्रसन्न हुए। एक दिन मौका देखकर बहू ने संत से निवेदन किया कि वह उसको कोई ऐसा उपाय बताए कि उसकी सास की बोलती बंद हो जाए। बहू के निवेदन करने पर संत ने कागज पर एक मंत्र लिखकर उसको दे दिया और कहा कि जब भी तुम्हारी सास तुमको बुरा भला बोले, तुम इस मंत्र को कागज पर लिखना और अपने दांतों के बीच दबा लेना। दूसरे दिन जब सास ने बहू के साथ झगड़ा किया और उसको अपशब्द कहे, तो सास ने संत के कहे अनुसार किया और मंत्र को कागज पर लिखकर अपने दांतों के बीच दबा लिया। इस स्थिति में बहू सास को कोई जवाब नहीं दे पाई। यह सिलसिला लगातार 2-3 दिनों तक चलता रहा। एक दिन सास ने बड़े प्रेम से बहू से कहा कि अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ाई करूंगी, क्योंकि अब तुमने मेरी गाली के जवाब में गाली देना बंद कर दिया है। बहू ने सोचा मंत्र का असर हो गया है और सास ने हथियार डाल दिए हैं। दूसरे दिन बहू संत के पास गई और कहा कि मेरी सास पर आपके दिए हुए मंत्र का असर हो गया है और उसकी सास ने अब उससे लड़ाई करना बंद कर दिया है। संत ने बहू को जवाब देते हुए कहा कि यह मंत्र का नहीं, मौन का असर है। तो दर्शकों, अब चलिए हमारे आठवीं कहानी की शुरुआत करते हैं। आठवीं कहानी, मन को शांत करना चाहते हैं तो यह है सही रास्ता। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो यह कहानी आपकी मदद करेगी। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति न थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया
और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज मैं यहां बड़ी आशा लेकर आया था, किंतु मुझे यहां निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। ये तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी, उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।